अब तक आपने देखा माधव और सरोजा एक दूसरे के करीब होते हैं। माधव सरोजा को छेड़ता है कि उसने माधव के सीधेपन का फायदा उठाया है। सरोजा को भी ये मजाक समझ में आ जाता है, फिर वो भी माधव को छेड़ने की सोचती है। संग्राम और बल्ली कलावती से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। वो बताते हैं कि उनके पिता के गायब होने से संबंधित उनकी गलतफहमी अब दूर हो चुकी है। कलावती अपने बच्चों को जिंदगी में आगे बढ़ने की सलाह देती है। इस बात पर बल्ली कलावती से कहता है कि अब उसकी भी शादी की उम्र हो गई है और उसे भी सरोजा जैसी ही कोई लड़की चाहिए। कलावती और संग्राम इस बात पर हंसते हैं और कलावती बल्ली को कहती है कि उसकी शादी की बात तभी होगी जब वो किसी लायक बन जाएगा। सरोजा माधव से मजाक में कहती है कि वो माँ बनने वाली है। माधव चिंता में पड़ जाता है। माधव को टेंशन में देखकर सरोजा को माधव के भोलेपन पर हंसी आ जाती है और वो बताती है कि वो उसे छेड़ रही थी। माधव और सरोजा के बीच रोमांस होता है और माधव कल्पना करता है कि जब उसका बच्चा होगा तो वो किसके जैसा दिखेगा, माधव या सरोजा। अब आगे ये क्या बात हुई? आपकी बातें अभी तक हमारे कान में सुलग रही हैं और हमें आप वहां छोड़कर यहां चौखा करने आ गई, कैसे कह सकती हैं आप इतनी बड़ी बात? अरे हमने ऐसा क्या बोल दिया था? यही कि हम बाप बनने लायक नहीं। ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप? अरे ध्यान से देखिए, हमें जवान है, डोले शोले बनाए और अभी ना तीन पहलवान को ऐसे ढह कर सकते हैं। ये लीजिए, काटनी है। गुस्सा, पर आपने हमारी बात ध्यान से सुनी नहीं। हमने आपसे ये नहीं कहा कि आप पिता नहीं बन सकते, हमने आपसे ये कहा कि आप पिता बनने के लिए तैयार नहीं। ये बच्चे पैदा करने को आप चार चार बच्चे पैदा कर सकते हैं, पर बच्चे पैदा करने में और पिता बनने में बहुत अंतर होता है। क्या फर्क होता है? अगर किसी के बच्चे होंगे तो वो तो पिता बन ही जाएगा ना। ऐसा नहीं है, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। कैसे? अब देखिए ना, आपके पिता यानी कि राय साहब, जब आप पैदा हुए तो भाऊजी के पास हर एक चीज थी, एक इज्जतदार नाम, ऐशो आराम, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत, अपने हार्डवर्क से कमाया और आज तक आप लोग उस नाम को गर्व से बताते हैं। सोचिए कि अगर वो आपके पैदा होने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं उठाते तो क्या आपकी जिंदगी ऐसी होती? बिल्कुल भी नहीं। बस आप ये सोचिए कि क्या आप अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं? जब कोई इंसान अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह उठाता है तभी वो सही मायने में पिता बनता है। सिर्फ बच्चा पैदा कर देने से उसे ये राइट नहीं मिलता है। आप कहना क्या चाहती हैं सरोजा जी? कि हम ये पैसे वैसे ऐशो आराम ये सब खरीदने के काबिल भी नहीं है? हम अच्छी तरह से जानते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आज हमारे पास जितना है आप उससे कहीं ज्यादा अचीव कर सकते हैं। तो फिर ये कि आपके अंदर सारी कैपेबिलिटीज हैं, पर उसे पाने की जो चाह है वो कहीं सोई हुई है, आपको बस उसे जगाना होगा। तो ठीक, अगर ये बात है तो आपको अपने पतिदेव की कुछ करने की चाह भी दिखेगी और काबिलियत भी, और जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि आपके पतिदेव कितने तैयार हैं और कितने लायक, सिर्फ पापा बनने के लिए नहीं लेकिन इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा बनने के लिए। अरे क्या यार बल्ली, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहां बैठे हो? क्या हुआ भैया, आप हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? तो किसी भी लायक नहीं है। अरे क्या बात हो गया, कैसी बात कर रहे हो बल्ली भाई, क्या हुआ? तो और क्या कहें भैया, सभी लोगों को यही लगता है ना कि हम बेकार हैं, किसी भी लायक नहीं है। अरे किसने कुछ कहा क्या? किसने क्या कहा बताओ? माई ने कहा, कहती है कि जब तक तो कुछ लायक नहीं बनोगे तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे। अरे जैसे शादी ना हो गई, किसी सरकारी नौकरी का इम्तिहान हो गया कि पहले ग्रेजुएशन करो फिर एग्जाम पास करो। एक बात बताएं बल्ली, ये जो एग्जाम है ना ये शादी के बाद भी रुकने वाला सिलसिला नहीं है। क्या मतलब? अरे जैसे चाची को लगता है ना कि तुम शादी के लायक नहीं हो
वैसे हमारी धर्म पत्नी जी को लगता है कि हम बाप बनने के लायक नहीं है। अरे माधव भैया क्या कह रहे हैं, शुभ शुभ कहिए। अरे शुभ शुभ क्या, सच सच बोल रहे हैं। सरोजा जी को लगता है कि जब तक हम बाबूजी की तरह ये घर गाड़ी ये सब ऐश आराम पैदा नहीं कर सकते ना, तब तक हमें बच्चा भी पैदा करना नहीं चाहिए। इसका मतलब भैया आपकी और मेरी नाव एक ही तरह के तूफान में ढकेल दी गई है। भैया आपका बाप बनने का सपना और हमारा दूल्हे बनने का अरमान कुछ लायक बनने पर ही पूरा होगा। तो ठीक है पहले हम भी इन्हें दिखा देते हम भी कितने लायक। मिला हाथ। हाँ भैया ये शर्त तो हम पूरी करके ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल। लो बन गई। क्या बन गया? अरे भाई हमारे दिल के टुकड़े के आराम फरमाने की जगह जूनियर राय जी का सिंहासन यही होगा और यहीं से वो हम सब पर अपना हुकुम चलाएंगे जिसे हम सब मानेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो हमें लगने ही लगा है कि पूरा घर हमारे बेटे को ही दुलार करेगा, उसी के ही नखरे उठाएंगे सब लोग, माधव देवर जी से भी ज्यादा। अब तो बस हमारा बेटे का राज शुरू होने वाला है। Excuse me? अब इस बात में माधव से तुलना करने की बात कहां से आ गई? और मुझे कुछ जलने की भूख आ रही है भाई, समझ में नहीं आ रहा। जाइए, इसमें जलने वाली क्या बात बन गई? हम तो सच्चाई पर रोशनी डाल रहे हैं। जब से घर में कदम रखा है ना, तब से हमारे कान पक गए एक ही नाम सुन सुनकर, माधव माधव और माधव। भले ही आप कोलू की बैल की तरह दिन भर लगे रहे, लेकिन इस घर में तो आपके नाम की तो गिनती होती नहीं है। क्यों? ओहो मैडम, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि माधव घर का सबसे छोटा है और हर घर में सबसे ज्यादा लाड छोटे को ही मिलता है, इसमें क्या हुआ? अच्छा तो अगर ऐसी बात है तो बल्ली बेबी तो छोटे हैं ना, तो फिर उनसे भी उतना ही प्यार होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्यों? अच्छा सॉरी, प्लीज आप हमें गलत मत समझिए, माँ है ना, माँ होने के नाते बस हम यही चाहते हैं कि इस घर में सबसे ज्यादा प्यार हमारे बेटे को मिले। वैसे तो हमें ये विश्वास हो गया है हमारे बेटे को सबसे ज्यादा प्यार आप ही करेंगे, हमसे भी ज्यादा। अच्छा और अगर बेटी हुई तो? बेटी हुई तो उसका नसीब, और वैसे भी बेटियों के नसीब में बेटों जितना प्यार नहीं होता। अच्छा इसमें अच्छा वाली क्या बात है, अगर बेटियों से जरा सी गलती हो ना तो उनकी सजा उनको उससे पहले ही मिल जाती है। अब हमारे चाचा जी की बेटी को ही ले लीजिए, एग्जाम में जरा से नंबर क्या कमाए, चाचा जी ने तो साफ कह दिया अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना तो घर को संभालो, और पट उसके हाथ पीले कर दिए। अगर वही भूल उनके बेटे से हुई होती ना तो उनकी सोच कुछ और ही होती। अब हमारे घर को ही ले लीजिए, माधव देवर जी बल्ली भैया सारा दिन मटर गस्ती करते, लेकिन कभी किसी ने आज तक कुछ कहा नहीं ना। हम कह देते हैं, कभी कभी ना हमारा दिल बहुत जलता है कि आप अपने शरीर अपनी सेहत को सारा दिन बलि चढ़ाकर कारोबार का बोझ और जिम्मेदारी को ही उठाते रहते, और घर में तो कोई देखने को भी तैयार नहीं है। मंजू
ये आज तुमने क्या खा लिया? तुम समझ भी रही हो कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी किसी भी बात का आपस में कोई सिरा नहीं, बस बोले जा रही हो। हाँ, हम पागल हो गए। सही बात भी ना आपको हमारी खरी लगती है, हमारी सही बात तो आपको समझ में ही नहीं आती है। जब आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप हमको अकेला छोड़ दीजिए, हम अपने आप से ही बात कर लेंगे। ये मंजू इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है? ओ आई सी, ड्यूडेट आने वाली है, और डॉक्टर ने भी कहा था जैसे जैसे ड्यूडेट पास आएगी उसके बिहेवियर में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अभी बेहतर यही होगा कि मुझे इसको अकेला छोड़ देना चाहिए। मैं निकलता हूँ। धत, ये भी कोई खाना है? जब देखो हॉस्पिटल जैसा टिफिन। इस घर में ना किसी के हाथों में स्वाद बचा ही नहीं। इससे अच्छा तो हम भी जाके बना लेते। अब क्या खाएं? अरे प्रमुख जी, चाय पानी हुई जा रही है, पी लीजिए पहले, काम तो होता रहेगा। मिसेस प्रमुख जी, हम एक बहुत पेचीदे मसले का हल ढूंढने में लगे हैं, आप बीच में मत बोलिए और जाइए यहां से। अरे ऐसी कौन सी काम की बात कर रहे हैं, हमें भी तो बताइए। हमने कहा ना आपसे अभी कुछ, हर जगह औरतों की जरूरत नहीं होती, ये काम धंधे की बात हो रही है, आप जाइए यहां से, जब आपकी जरूरत होगी तो बुला लेंगे आप, लेकिन अभी हमें कोई व्यवधान नहीं चाहिए। तुम निकालो बेटा, उनका पॉकेट में। हाँ तो जा रहे हैं हम भी, वैसे भी आपके किसी काम में व्यवधान नहीं डालते हम। हाँ चाय तो एकदम पानी हो गई है। माधव, अम्मा को कहो दूसरी चाय लाए। जी बाबूजी, हम अभी जाते। बाबूजी, हमें आपसे कुछ बात करनी। हाँ तो बोलो ना। बाबूजी, हमारी अर्जी। हाँ बड़के बाबूजी, हमारी भी वही अर्जी है। ओ, तो तुम दोनों ने मिलकर अर्जी लिखी है। बताओ माधव, क्या फरमाइश है तुम्हारी अर्जी में? बाबूजी, हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अरे कर लेना बिजनेस, पहले अम्मा से बोलो चाय भिजवाए। बाबूजी, आप हमारी बात समझ नहीं रहे, हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ अलग बिजनेस, और वो भी जल्दी से जल्दी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम कल से ही संग्राम के साथ लग जाओ और सारा काम धंधा सीखना शुरू कर दो, ठीक है? भैया, हम क्या कह रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं? हम कह रहे हैं ना, हमें कोई नया बिजनेस शुरू करना है, अपना बिजनेस, और ये सीखने वीखने का हमारे पास टाइम नहीं, हमें बहुत जल्दी है अभी। अरे बेटा, तुम्हें कमीज पे बटन तो लगाना आता है नहीं, बिजनेस कैसे संभालोगे? बाबूजी, कमीज के बटन लगाना और बिजनेस करना एक ही बात है क्या? हम कुछ नहीं चाहते, हम अपना बिजनेस करना चाहते, अपनी पहचान बनाना चाहते। देखो माधव बेटा, तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है, फिलहाल इस पे बात करने का ये सही समय नहीं है।
अरे हम लोग पहले ही परेशान हैं। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल गया और हम उसकी वजह समझने में लगे हुए। अरे पहले इस मसले को सुलझा लेने दो, फिर बात करना। जी बाबूजी, हम अपनी बात बाद में कर लेंगे। पर बाबूजी, हमें उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो बताइए, क्या पता हम आपकी कोई मदद कर सकें? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे अभी अभी तुम इतने बेहुदे पचड़े से बाहर निकल कर आए हो और फिर अपनी बेवकूफी से एक नया बखेड़ा खड़ा कर देना चाहते हो यहाँ? अरे पहले परेशानी हमें कम है क्या जो तुम और बढ़ा रहे हो? तुम्हें सीखना है ना, अपने बड़े भाइयों से पहले सीखो, फिर मचान पर बैठकर सपने देखना। बाबू जी, आपको क्या लगता है हम सिर्फ बखेड़ा ही खड़ा कर सकते? हम जानते हैं कि आप हमें बहुत ही नलायक और नकारा समझते, रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते ना आप हम पर। माधव, ऐसी कोई बात नहीं। अरे विजेंद्र भाई, आप ही इसको समझाइए ना। माधव, तुम ऐसा क्यों सोच रहे? बाबूजी के कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि तुम पहले से ही ट्रेनिंग तो ले लो, उसके बाद कुछ करना। भाई करना तो पड़ेगा ही भैया, क्योंकि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं ना, तब तक आप सब हमें यूं ही नालायक और नकारा समझते रहेंगे। तो ठीक है, तय रहा कि हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे, तो तब आप लोगों से बात करें। चल बल्ले। बुद्धि की बलिहारी! अरे बचपने की भी कोई हद होती है या नहीं? बड़ा जोश आ रहा है, ने बहुजी को तेवर दिखाता है। तो ठीक, हम भी देखते हैं। अरे एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे इसे, फिर देखते हैं कैसे काबिलियत दिखाते हैं श्रीमान। बहुजी, अब आप भी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हम सब जानते हैं कि आप बहुत परेशान चल रहे हैं, लेकिन कहीं और का गुस्सा माधव पे तो मत निकालिए प्लीज। और फिर उस डफर की बातों का क्या बुरा मानना, आखिर हम सब जानते हैं उसके दिमाग को। बाबूजी, माधव भी छोटा है और बहुत जल्दी भावुक हो जाता है, और जब माधव इतना कह रहा है तो मेरे ख्याल से उसको एक मौका देना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन अब माधव की जिम्मेदारी तुम दोनों पर रहेगी। 24 घंटे चील की तरह नजर गड़ा के रखना उस पर, क्योंकि उसकी गलतियों का खमियाजा ये परिवार अब और नहीं भुगतना चाहता। आप निश्चिंत रहिए बाबूजी, हम दोनों ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, आपको यहाँ 1 महीना ही हुआ है ना? आप हैं, आपने मैं डरा ही दिया था। चलो अच्छा, कम से कम डराने के काम तो आते हैं हम। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? और क्या बोले सरोजा जी, अब देखिए ना, आपको यहाँ आए शादी करके सिर्फ 1 महीना हुआ और अम्मा ने पूरी किचन की जिम्मेदारी आपको दे दी है, और हमें इतना भी क्या नेगेटिव होना? हम आपकी सक्सेस को लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं। आपको पता है हम हर दिन यही सपना देखते हैं, आप, हम और हमारे बच्चे पूरी दुनिया घूम रहे हैं, और हम लोग आपकी सक्सेस को लेकर के बहुत खुश हैं। सरोजा जी, ये सिर्फ एक खूबसूरत सपना है, लेकिन बाबूजी को तो यही लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है जब पहले आप हमें कहती थी ना कि जिम्मेदार बन जाओ, तो हमें लगता था कि आप बहुत सोचती हैं, लेकिन अब हमें एहसास हो गया कि आप एकदम ठीक सोचती हैं। ये एहसास ही तो सबसे जरूरी है। जब आपको एहसास हो गया तो फिर क्या दिक्कत है? अब आपने इस बात की इम्पोर्टेंस समझ ली है, फिर क्या, फिर तो आप हर काम चुटकियों में कर लेंगे।
सरोजा जी, हम कर लेंगे ना? बिल्कुल कर लेंगे। अगर आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है, हम पर तो है ना, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस आप एक बार ठान लीजिए तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। हाँ, और सरोजा जी, आपको पता है, हमने बाबूजी को कह दिया है कि हम एक हफ्ते के अंदर कुछ करके दिखाएंगे। एक हफ्ते में? जी हाँ। आप क्या सोच रही हैं सरोजा जी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप बखूबी एक हफ्ते में सब कुछ कर सकते हैं। सबको एक बात का ध्यान रखना होगा। किसका? वक्त का। इस वक्त आपके लिए एक एक पल बहुत कीमती है। आप टेंशन मत लीजिए, हम इसका ध्यान रखेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक मिनट। अब क्या हुआ, कुछ रह गया क्या? आई लव यू। लव यू टू। थैंक गॉड, अब इनमें कुछ करने की चाहत तो जागी। भगवान, अब ये दोबारा किसी मुश्किल में ना पड़े।